जिस हालत में गए थे ना उसी हालत में वापिस जा रहे हैं भाई। अब जाके यार सुकून मिलेगा। ओ भाई पूरी गर्म हो रही है रे यार। अभी हम कैमल की राइड रह रहे हैं छोटी सी। मेरे तेरा नाम लेके नाचेंगे। भाई ना ना भाई नीचे ना गिर जाओ। मैं सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मजे में। और अभी मैं तपती गर्मी में खड़ा हूँ यार। अभी मैं तपती गर्मी में खड़ा हूँ यार। और अभी ना ऑलमोस्ट मैं बता दूँ, अभी हम राजस्थान जा रहे हैं और वहाँ पे यहाँ पे जाएंगे हम गोरख टीला गोगा माड़ी में। अभी 2 किलोमीटर रह गया है राजस्थान, और फिर जो गोरख टीला और गोगा माड़ी है वो रह गया है 15 किलोमीटर दूर। मगर यार अभी यहाँ ना तपती गर्मी हो रही है, राजस्थान में होती है यार गर्मी। रात में ना हमने पंखा भी खोल रखा था और खिड़की भी खोल रखी थी, तब से इनके और तो भयंकर ठंडी लग रही थी हमें। और अब तो तरस रहे हम ठंडी हवा खाने के लिए। अभी मैं इस पेड़ के नीचे हूँ, तब जाके मेरे को राहत मिल रही है। यहाँ पे पानी भी भर रहा था मैं, और जैसे ही यहाँ से पानी से मुंह धुला ना, आए हाय ऐसा हुआ जैसे जन्नत दिखी हो। बस मैं पेट्रोल डलवा रहे थे तो अभी पेट्रोल पंप पे रुके थे, तो मैंने सोचा यहीं से जो अपना एपिसोड है वो स्टार्ट किया जाए। मेरे को ना दो प्लेस की ना यहाँ पे सेम चीज लगी मेरे को, राजस्थान और चंडीगढ़ की। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा खेत है, अभी ना आया नहीं राजस्थान, वहाँ पे पता नहीं खेत होंगे या नहीं। ये कौन सा प्लेस है मेरे को ये नहीं पता, मगर यहाँ पे भी बहुत सारे खेत है। और चंडीगढ़ में भी ऐसे खेत देखने को मिलते हैं, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। तो ये मेरे को सेम लग रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब 2 किलोमीटर आगे इतनी गर्मी है, जब राजस्थान आएगा राजस्थान। कहाँ जाएंगे पहले हम? गोरख किला। बट अभी तो हम नहाने जा रहे हैं इधर, अभी वहाँ कुंड में जाएंगे नहाएंगे। वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार, और जो नीचे रेत है ना, रेत की वजह से पता चल रहा है कि हम राजस्थान पहुँच चुके हैं। अगर मैं पैदल चलू ना यहाँ मेरे पैर फूक जाएंगे कसम से, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। ओ भाई पूरी गर्म हो रही है रेत। और सामने है गोरख किला, और सामने इधर की तरफ है नहाने का वो कुंड, तो यहाँ पे नहाएंगे। और बाकी आपको यहाँ पे शॉप वगैरह भी मिल जाएगी। मगर यार गर्मी के क्या है यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बदल गया है, बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। जब मैं पहले आया था ना यहाँ पे तो उतना नहीं था, मगर अब तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अब जाके यार सुकून मिलेगा, क्योंकि अब जाके हम पानी में नहाएंगे। एक दिन पूरा हो गया यार गर्मी में तपते तपते, अब नहाने को मिलेगा। मगर जैसे इससे बाहर निकलेंगे फिर काम 25। और यहाँ पे नहाने के बाद ना हमें वहाँ पे जाना है सामने। ये आपको गंदा गंदा पानी लग रहा होगा, मगर ये गंदा नहीं है यार, ये बहुत शुद्ध माना जाता है। और इसके अगर गंदा इसे मानो ना तो तुलसी वगैरह निकल जाती है, तो गंदा मत सोचना इसे, बहुत प्योर पानी होता है। डुबकी मार, डुबकी लौंडे डुबकी मार, एक दो तीन है ये। ओ भाई अब जाके सुकून मिला भाई, आए हाय आए हाय सुकून। पानी नहीं आया और ठंडी है, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही भाई, भला इतना ठंडा नहीं है पानी, मगर राहत मिल रही है और सुकून मिल रहा है। ले ले ये कोई नहीं है, एक दो तीन, इसे क्या हो रहा है, ये तो मछली बन गया था थोड़े से पानी में। बड़ी नहा तो लिया हमने, अब वापिस जा रहे हैं। और मैं देखो किस हालत में, जिस हालत में गए थे ना उसी हालत में वापिस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नहाने का फायदा नहीं है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है। जैसे बाहर निकलोगे ना वैसे ही गर्मी लगनी स्टार्ट। और देखो हालत क्या होगी, मेरे ऊपर टॉवल रख रखा है जिससे धूप ना लगे, मगर फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी है यार। टेंट हाउस पे चलते हैं, और यहाँ तो 2 मिनट के लिए रख दो कच्चे अपना सूख जाएंगे एकदम से। और यहाँ पे ना यार हम इस टेंट हाउस के नीचे रुके थे, बट वहाँ पे जैसे बैठ रहे ना तो जैसे धूल उड़ के आ रही है, तो ये खाट वगैरह है यहाँ पे जो शाम तक मिल रही है 50 रुपए में, और शाम के लिए बहुत बेस्ट है यार। ये वाली खाट ले ली हमने, तो इस पे बैठेंगे। मतलब यहाँ पे ना टोटली ऐसा ही सीन है पूरा का पूरा, रस और गर्मी बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। मैं तो थोड़ी सी एक झपकी ले लेता हूँ, मैं सोया नहीं यार इस गर्मी में से।
नींद तो नहीं आएगी, मगर कोशिश करता हूँ क्या पता आ जाए। तो यार मैं इधर की साइड लेटा था और यहाँ पे सर्कस भी देखने को मिल रहा है, लेटे लेटे, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ सर्कस। आप देख रहे हो ना, ये बाबा की छड़ी लेके अभी आए भोगा माड़ी से, उधर सर्कस चल रहा है। ये पापड़ खा रहा हूँ यार मैं, ये ना बचपन में मिलते थे और कम से कम 5 या 7 साल बाद खा रहे हैं मैं इस पापड़ को। मैं चटनी मिल जाती ना मजा आता, चटनी मिल जाती मजा आता। बाप रे, बोतल पे खड़ी हुई लड़की, 1 2 3 4 5 7 बोतल की लड़की खड़ी हुई है। अभी हम गोरख टिल्ला में गए थे बट वहाँ पे ना यार शूट वगैरह नहीं अलाउड था, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। भाई बाहर क्या गरम 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 लग रहे हैं बिल्कुल। ये तो कूंचा मुंडी तो मेरे पास है। अबे गोरी ये ने बंद कर दिया महाराज, नु कैसे कर रहे हैं, एक नाक दूदे ने वो भाई सांप रील का कोबरा है, कोबरा कोबरा है ने भाई, तू चक्कर में पड़ रहा था, चल भाई गोरी अगर तू लेना तो गले में डाल ले, डालो डालो अपने डालो। अरे जय बाबा मेरे, तेरा नाम लेके नाचेंगे ये। यार अभी हम गोगावाड़ी पे आए थे, मगर वहाँ भी यार अलाउड नहीं था कैमरा, तो मैंने नहीं बनाया। मेन एंट्रेंस तो कुछ ऐसा था। सो यार अभी हम कैमल की राइड रह रहे हैं छोटी सी बासुर में। ओ भाई मैं तो पहली बार कर रहा हूँ ये एक्सपीरियंस, भयंकर आधा ही कर रहा भाई, नीचे ना गिर जाओ मैं। औरत ना बैठ नहीं सकती, कमर मटका देगी। ओ भाई पूरे झटके दे रहा, यही नहीं अभी और सुनिए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सो यार गोगा माड़ी गए थे, मगर ना यार अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं अंदर नहीं बना पाया वीडियोस, और अच्छा भी लगता है ऐसे। जो ये वाला एपिसोड है ना, मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हम एक और लोकेशन में निकलेंगे, वो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखना। तो बाकी जितना हुआ मेरे से यार उतना मैंने दिखाया, क्योंकि अंदर तो यार अलाउड ही नहीं है कैमरा, तो अंदर का मैंने कैसे ही दिखाता आपको। तो दिस ऑल फॉर द व्लॉग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय।